नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को प्रॉक्सी मैरिज के बारे में बताने वाला हूँ, जो ब्राज़ील में पॉसिबल है, जो ब्राज़ील में होती है। प्रॉक्सी मैरिज का मतलब क्या होता है? प्रॉक्सी मैरिज एक ऐसी मैरिज है जिसमें एक फॉरेनर, एक विदेशी, अपने घर पे बैठे बैठे ब्राज़ीलियन सिटीजन से शादी कर सकता है। ठीक है, तो ये आपने कभी सोचा नहीं होगा। ठीक है, और ये एक बहुत अजीब सा लगता है कि भाई यार, मैं यहाँ बैठे बैठे, मैं इंडिया में या कहीं यूएसए में बैठे बैठे किसी और देश की लड़की से या लड़के से शादी कर सकता हूँ क्या? ये बहुत ही कुछ अजीब सी चीज़ है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जब शादी के बारे में सोचते हैं तो एक ही ख्याल आता है कि भाई हम दोनों साथ में जाके शादी करते हैं। ठीक है, एक लड़का और एक लड़की साथ में जाके शादी करते हैं, लेकिन ब्राज़ील के जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रॉक्सी मैरिज का भी है, उसमें शादी करने का एक सेक्शन है। तो प्रॉक्सी मैरिज में क्या होता है ना दोस्तों, एक पावर ऑफ अटॉर्नी बनानी पड़ती है फॉरेनर को। तो वो जो पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, वो उसका फॉर्मेट आप किसी भी कार्टोरियो से ले सकते हैं। मतलब ब्राज़ील का जो कार्टोरियो होगा, जो शादी वाला जो कार्टोरियो होता है, उसमें आप अपने जो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जो भी है ब्राज़ील में, आप उनसे कहिए कि हमें फॉर्मेट भेजिए, और वो आप पावर ऑफ अटॉर्नी उसे इंडिया से बनवा के भेज सकते हैं। ठीक है, और इस बेसिस पे आप लोगों की शादी हो सकती है। आप इंडिया में ही रहेंगे या पाकिस्तान में ही रहेंगे, आप अपनी देश में ही रहेंगे और आपकी शादी हो जाएगी यहाँ पर। तो वो प्रॉक्सी मैरिज वर्क कैसे होती है? ठीक है, वो जो पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, उसमें आप ये लिखते हैं कि भाई मैं इंटरेस्टेड हूँ इस पर्सन से शादी करने के लिए, और मैं एक पर्सन को अपॉइंट कर रहा हूँ जो मेरी जगह प्रॉक्सी, एज अ प्रॉक्सी वहाँ खड़ा होगा शादी वाले दिन, और शादी के लिए एग्री करेगा। मतलब आप हो भी नहीं वहाँ पे, और आपका एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होगा ब्राज़ीलियन, जो जब वो जज पूछेगा कि भाई आप स्वीकार करते हो इसे अपनी वाइफ या इसको अपना हस्बैंड। तो प्रॉक्सी मैरिज में क्या होता है दोस्तों, प्रॉक्सी मैरिज का मतलब है आप पावर ऑफ अटॉर्नी एक इंडिया से बना के भेजेंगे ब्राज़ील, और जो एक पर्सन को अपॉइंट करेंगे, ब्राज़ीलियन पर्सन को एक अपॉइंट करेंगे अपनी जगह पे खड़े होने के लिए शादी वाले दिन। ठीक है, तो प्रोसेस पूरा वैसे ही है, ये समझ लो आपकी जगह दूसरा बंदा खड़ा होगा। आपके बिहाफ पे कोई और खड़ा होगा आपकी शादी वाले दिन, लेकिन शादी आपकी होगी। ठीक है, उसमें कैसा रहता है, पावर ऑफ अटॉर्नी जो डॉक्यूमेंट होता है एक, वो पावरफुल रहता है उसमें। ये आप उसको अपॉइंट करोगे कि वो मैं उस पर्सन को अपॉइंट करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ, और उसमें फिर आपको वो डिसाइड भी करना पड़ेगा कि आप कौन से प्रोविज़न में शादी करना चाहते हैं। ठीक है, शादी के तीन प्रोविज़न होते हैं, मतलब वो प्रॉपर्टी के डिवीज़न को लेकर है वो, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो वो तीन प्रोविज़न में से कौन सा आप रखना चाहते हो कि भाई जो शादी के बाद प्रॉपर्टी का कैसा डिवीज़न होगा, वो सब जो क्लॉज हैं वो सब लिख के उसमें आपको पावर ऑफ अटॉर्नी बनानी पड़ेगी और ब्राज़ील भेजना पड़ेगा अपने दूसरे डॉक्यूमेंट्स के साथ। सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी से शादी नहीं होगी, आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट और उसके बाद जो सिंगल स्टेटस है, वो सब आपको वैसे ही अपोस्टाइल करके, सेम प्रोसेस है दोस्तों शादी का। बस इसमें यह रहेगा कि आप इंडिया में बैठ के शादी करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक पावर ऑफ अटॉर्नी एक्स्ट्रा लगेगी, और वो सब डॉक्यूमेंट्स आपको भेजना पड़ेगा। फिर जो आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है यहाँ पे ब्राज़ील में, वो उसको ट्रांसलेट कराएगा, रजिस्टर कराएगा और शादी मार्क करेगा, और शादी वाले दिन दूसरा पर्सन खड़ा होगा और आपकी शादी हो जाएगी। ठीक है, फिर जो दूसरा प्रोसेस है, आपको ब्राज़ील अगर आना होगा तो उसमें फिर कैसा होगा कि वो आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आपको डॉक्यूमेंट्स भेजेगी, इंक्लूडिंग मैरिज सर्टिफिकेट। ठीक है, और फिर उससे आप वहाँ पे ब्राज़ीलियन एम्बेसी में पीआर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात समझ में आ गई। अब पावर ऑफ अटॉर्नी का फॉर्मेट क्या है? ठीक है दोस्तों, पावर ऑफ अटॉर्नी का कुछ भी ऐसा फॉर्मेट नहीं है, आप अपने मन से कुछ भी नहीं बना सकते। ये आपको कार्टोरियो से लेना पड़ेगा कि प्रॉक्सी मैरिज का जो पावर ऑफ अटॉर्नी है उसका फॉर्मेट क्या है। तो जो आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होगा ब्राज़ील में, आप उनको बोल दीजिए कि हमें भाई फॉर्मेट चाहिए है, तो आप पूरा प्लान जैसा होता है वो करके आप मंगा लीजिए। दूसरी बात, पावर ऑफ अटॉर्नी पे भी वही जैसा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का अपोस्टाइल है वो होगा। ठीक है, फिर उसको ब्राज़ील ला के ट्रांसलेट कराया जाएगा, रजिस्टर कराया जाएगा, वो सब प्रोसेस वैसा ही है। और दोस्तों, ये मैं अपने मन से बातें नहीं कर रहा हूँ, मैंने कंफर्म कर लिया एक कार्टोरियो से, जो शादी वाला कार्टोरियो होता है ना ब्राज़ील में, उससे मैं दो दिन से बात कर रहा था, कंफर्म कर लिया है, पूरे डिटेल में पूछ लिया सब कुछ।
तो उस कार्टोरियो से मैंने डिटेल में बात करी है और वो कार्टोरियो जो है शादी वाला उसने कंफर्म कर दिया है कि ये पॉसिबल है और ऐसा हो सकता है। लेकिन उसने ये भी कहा था आप अगर कुछ आपको करना हो या किसी को करना हो तो कार्टोरियो में आके उसका फॉर्मेट ले जाना पावर ऑफ अटॉर्नी का, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी ब्राज़ीलियन सिटीजन से आप शादी करना चाहते हैं उन्हें बोलना कार्टोरियो से फॉर्मेट लो पावर ऑफ अटॉर्नी का, जो प्रॉक्सी मैरिज का जो पावर ऑफ अटॉर्नी है उसका फॉर्मेट कैसा होता है वो आपको लेके ऑनलाइन भेज सकते हैं और उसके भेजने के बाद फिर आप बना सकते हैं वहां पे। तो दोस्तों अब दूसरी चीज, अब आप लोग ये पूछोगे कि यार ठीक है फॉर्मेट वॉर्मेट तो ठीक है हम मंगा लेंगे, लेकिन यार उसको बनाएंगे कैसे, यार कहाँ जाएंगे उसे बनाने के लिए? तो उसका सीधा सा आंसर है कि आप उसकी नोटरी कराएंगे। ठीक है, आप उसकी नोटरी कराएंगे, एफिडेविट कराएंगे पेपर पे जैसा नॉर्मल होता है, जैसा आपका सिंगल स्टेटस होता है वैसे ही उसको आप एफिडेविट नोटरी करा लीजिए और उसको फिर वहां पे भेज दीजिए और सब क्लियर शब्दों में सारे डिटेल्स उसमें लिख के नोटरी करा के वो बन गई आपकी पावर ऑफ अटॉर्नी, उसको किसी एजेंट को दे दोगे तो अपोस्टाइल हो जाएगा। तो ये आपका सिंपल हो गया है। ठीक है, तो सिर्फ आपको एक और डॉक्यूमेंट चाहिए और आप घर बैठे बैठे दूसरे देश में शादी कर सकते हैं। ठीक है, ये ब्राजीलियन प्रोविजन है। तो ये जो प्रॉक्सी मैरिज है उसके बारे में मुझे काफ़ी टाइम से नॉलेज था, उसके काफ़ी सालों से पता था, 2-3 साल से, लेकिन मैंने उसको सीरियसली नहीं लिया क्योंकि मुझे, मैंने जब भी उसके बारे में सर्च मारा इंटरनेट पे या जो भी पूछा लोगों से, तो मैंने इंटरनेट पे एक चीज़ पढ़ी जो अपना एक्सपर्ट ब्लॉग करके इंटरनेट पे उसकी मैंने लिंक डाली है, उसमें भी किसी ने पूछा था, जो काफ़ी सीनियर सिटीजन लोग हैं फॉरेनर्स जो ब्राज़ील में रह रहे हैं भाई, कैनेडियन सिटीजन या कोई, तो उन लोगों से भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो उन लोगों ने ये कहा था कि आपको एक बार तो ब्राज़ील आना पड़ेगा, मतलब आप कभी ज़िंदगी में ब्राज़ील नहीं आए हो और चाहते हो कि शादी हो जाए तो ऐसा नहीं होगा। तो इस बात पे मैं भी एग्री हुआ था, मतलब मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा था, किसी और ने पूछा था, उसका आंसर पढ़ा था, वो आंसर से मैं भी सहमत था क्योंकि मैंने हमेशा देखा है कि भाई जब शादी होती है तो दो लोगों की मौजूदगी होनी चाहिए ना जिन्हें शादी करनी है, तो ऑब्वियसली सच्ची बात है, इंडिया में भी शादी करनी है तो दोनों मौजूद होने चाहिए, अलग अलग स्टेट में रह के शादी नहीं हो सकती। तो ये मैंने बात देखी थी, फिर उसमें ये लिखा था कि भाई एंट्री शादी को मार्क करने, जो एंट्री डालते हैं रजिस्ट्रेशन करने शादी का, उसके लिए तो आपको आना ही पड़ेगा, फिर आप भले किसी प्रॉक्सी को अपॉइंट कर दो, लेकिन जो मैंने कार्टोरियो से कंफर्म किया उसने ये कहा है कि अगर विदेशी विदेश में भी रहेगा तो भी शादी हो जाएगी। तो ये आपको बता दिया, आप डॉक्यूमेंट शादी के सेम ही हैं, सब डॉक्यूमेंट सेम ही हैं, बस एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है पावर ऑफ अटॉर्नी, वो पावर ऑफ अटॉर्नी आप भेज देंगे तो आपकी शादी यहाँ पे, जो पर्सन से शादी करना चाहते हैं वो मार्क करके और हो जाएगी, आपकी मैरिज सर्टिफिकेट भी बन जाएगा, जो प्रोसेस है वैसे ही होगा, सिर्फ आप मौजूद नहीं रहोगे, आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव मौजूद होगा। ठीक है दोस्तों, तो एक चीज आपको नहीं पता चली है और मे बी अगर आप ट्राई करना चाहें, किसी को करना है तो कर सकते हैं, बाकी मैं तो यही मानता हूँ कि जो शादी है वो दो लोगों की मौजूदगी में ही होती है, जो लड़का और लड़की होते हैं जो शादी करना चाहते हैं उनकी मौजूदगी में ही होती है। तो आप भी ट्राई करें कि आप भी मौजूदगी में ही शादी करें, नहीं तो कैसा मज़ा नहीं आता, ऐसे डॉक्यूमेंट भेज दिए हो गई शादी, सर्टिफिकेट आ गया, वीज़ा लेके चले जाओ, या वो उसमें मज़ा नहीं आएगा। तो आप वैसे जैसा आपको ठीक लगे, मेरा तो कर्तव्य था, मेरा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आपको कुछ नई चीज़ बताना, कुछ नॉलेज देना, तो मैंने तो भाई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी। और नया वीडियो जल्दी लॉन्च होगा, कृपया नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और शेयर भी करें। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ आपको मेरे वीडियोज़ जो हैं वो पसंद आ रहे होंगे ब्राज़ील के बारे में, कृपया कमेंट करके बताएं मेरे वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं आपको। ठीक है, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।